कोलकाता से जान बचाकर भागा ये नौजवान पुणे जा पहुंचा। वहां पर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टर बनने की तैयारी करने लगा और पहुंच गया एक दिन महानगरी मुंबई। लेकिन एक्टर बनने का रास्ता इतना आसान नहीं था। सड़कों पे सोना पड़ा, नाच दिखाकर पेट पालना पड़ा और फिर कहीं जाकर मिली एक फिल्म। हाँ बड़ा राजा बाबू, तीर से पैर में थोड़ा जख्मी हुआ, उसके आज जानवर है ना, भाग निकला, मैं भी उसके पीछे पीछे, वो भागता। अपनी पहली फिल्म में जीत लिया नेशनल अवार्ड और बता दिया दुनिया को कि उनमें कितनी ज्यादा प्रतिभा है। लेकिन नेशनल अवार्ड जीतने के बाद भी रास्ता आसान नहीं था। फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था और खाने के लिए पास पैसे भी नहीं थे। छोटे मोटे रोल्स किए। हवलदार साहब ने कहा वो अपनी माँ को बेच रहा है, तेरी माँ को तो नहीं, माँ कसम। कितने ही प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स ने उन्हें रिजेक्ट किया और कईयों ने ये सलाह दे दी कि उनका जो चेहरा है, उनकी जो आवाज है, वो बॉलीवुड में हीरो बनने के लायक नहीं और वो कुछ और काम देख ले। तो इस कलाकार ने नाचने का एक ऐसा स्टाइल बनाया जो आगे चलकर लोगों को उसका दीवाना बना गया। उन्होंने एक एक्शन का एक ऐसा नया तरीका दर्शकों को दिखाया कि जो इसके पहले भारतीय दर्शकों ने देखा नहीं था। गन मास्टर G9 बनकर वो लोगों की नजर में आया और डिस्को डांसर बनकर वो पूरे जमाने पे छाया। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की। अपने चाहने वालों के मैं दिल में समा गया। जी हाँ, वही मिथुन चक्रवर्ती जिनको एक वक्त में पेट भर खाने के लिए नहीं था, फिल्मों से निकाल दिया जाता था, लेकिन वही मिथुन चक्रवर्ती आगे चलकर ऐसे रिकॉर्ड्स बना गए कि जिसको तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बाबा फिल्मी आज आपके लिए लेकर आया है मिथुन दा के ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड्स का लेखा जोखा। मिथुन दा के रिकॉर्ड्स की बात करने से पहले बाबा फिल्मी के सब्सक्राइबर के रिकॉर्ड्स को भी जरा आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल बाबा फिल्मी फैक्ट वाले को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक। जिस एक्टर को शुरुआत में एक भी फिल्म मिलना बड़ी मुश्किल थी, उसी एक्टर ने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में लीड रोल किया। ये एक रिकॉर्ड है किसी भी भाषा में एक हीरो का 250 से भी ज्यादा फिल्में करना। ये रिकॉर्ड तो नहीं है, मगर एक बात जरूर है मिथुन दा के करियर में, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के बावजूद भी किसी भी बड़े बैनर ने बॉलीवुड में मिथुन दा को अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी 80s में मिथुन दा की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही और एक के बाद एक लगातार सफल फिल्में वो देते रहे। जाने मन तुम नंबर वन हो, हर जवां दिल की धड़कन हो। उसके बाद अगला रिकॉर्ड यानी 1989 में दादा की 19 पिक्चरें आई। एक साल में 19 पिक्चरें, आज की डेट में ये तो हम सोच भी नहीं सकते। जहाँ कलाकार 2-3 साल में एक फिल्म कर लेते हैं, मिथुन दा ने लगातार 19 पिक्चरें उस साल रिलीज की और ये रिकॉर्ड अब टूट पाना तो लगभग नामुमकिन है। अब बात करें तीसरे रिकॉर्ड की, तो एक दशक यानी कि 10 सालों में सबसे ज्यादा फिल्में करने वाला ये कलाकार, 110 से भी ज्यादा फिल्में इन्होंने 1980s में की। देखो लोगों ये कैसा जमाना, दिल चुरा के बने वो बेगाना। पिछले कुछ सालों में 100 करोड़ क्लब बन गया है, यानी कि कौन सी फिल्म 100 करोड़ कमाएगी या नहीं कमाएगी। लेकिन मिथुन दा ने ये कारनामा 1980s में ही कर लिया था और इस क्लब के पहले मेंबर बन गए थे अपनी फिल्म डिस्को डांसर के साथ। मिथुन दा ने अपनी पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड पा लिया था। इसके बाद 2 बार और उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और कई अवार्ड उन्हें मिले। लेकिन एक ऐसा साल, एक ऐसा रिकॉर्ड, अनोखा रिकॉर्ड रहा मिथुन दा के नाम, जब उन्हें एक ही साल में एक पॉजिटिव भूमिका यानी कि रामकृष्ण परमहंस जी की भूमिका के लिए नेशनल अवार्ड मिला और उसी साल उनको मुख्य विलन के लिए भी एक अवार्ड मिला। फिल्म थी जल्लाद। मैं भिखारी हो गया।
अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक ऐसा रिकॉर्ड है जिस पर मिथुन चक्रवर्ती शायद उतने ज्यादा प्राउड ना फील करें। यह है सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड। एक ऐसा दौर आया न जाने क्यों प्रेस में मिथुन चक्रवर्ती को एक फ्लॉप आर्टिस्ट घोषित कर दिया गया था और लगातार उनकी जो भी फिल्में आती रही उन्हें फ्लॉप करार दे दिया जाता। प्यार कभी कम नहीं करना। बात करें एक और रिकॉर्ड की जहां पर मिथुन चक्रवर्ती जब ओटी चले गए तो उन्होंने एक अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री वहां खड़ी कर दी। वहां टीएलवी प्रसाद के साथ मिलकर उन्होंने कुछ सालों में ही 30 फिल्में बना दी, जो कि एक रिकॉर्ड है इतने कम समय में किसी भी डायरेक्टर और एक्टर का साथ में फिल्में करने का। कई बार सोशल मीडिया पे इन फिल्मों का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जरा सोचिए मिथुन चक्रवर्ती के इस कदम से कितने सारे टेक्नीशियंस, कितने सारे ऐसे बॉलीवुड के एक्टर्स जिन्हें उस वक्त काम नहीं मिल पा रहा था, उनको रोजी रोटी कमाने के लिए एक जरिया मिला। हंसता और हंसाता यार कोई ना रोता, अगर मेरे पास ऐसा हो। एक फिल्म को बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, जैसे कि स्पॉट बॉयज और बहुत सारे टेक्नीशियंस, और इन्हीं लोगों के भले के लिए मिथुन चक्रवर्ती साहब ने एक पहल की थी और बनाई थी सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसके वो 18 साल तक चेयरमैन रहे और न जाने कितने सारे कलाकारों की मदद उन्होंने की। अगर बात करें इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स की तो बंगाली बाबू ने यहाँ पर भी बाजी मारी। 1986 और उसके बाद 1995 से 1999 तक वो हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिटीजन रहे। तो मिथुन चक्रवर्ती अपनी जिंदगी में ना ही सिर्फ कमर्शियली एक सक्सेसफुल कलाकार रहे, पर उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिकल अक्लेम भी मिला, जनता का प्यार भी मिला। और जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की तो मोनार्क नाम से होटल्स और स्कूल्स उन्होंने जो बनाए उनमें भी उन्हें बहुत सारी सफलता मिली। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, खुना तुझे हम बनाएंगे। अगर आप भी मेरी तरह मिथुन चक्रवर्ती के फैन हैं तो अपनी पसंदीदा फिल्म और उनसे जुड़ी हुई यादें हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। देखते रहिए बाबा फिल्मी फैक्ट वाले को।